स्पॉट मार लो। और ये फोटो साथ पीठ को जितना घुमा सकते हैं घुमाने का प्रयास करें, गर्दन भी घुमाएं और आपको लगेगा कि पूरी पीठ खींच रही है, खींचा हुआ है। योगा सिखाते हैं और क्या मतलब क्लासेज में क्या क्या रहता है? जी, हम जो ये प्रतिदिन योग की क्लास लेते हैं इसमें शरीर का पूरा विज्ञान दिया जाता है कि हमारा शरीर किस तरह से बना है, इसमें किस तरह से तंत्र लगे हुए हैं और इनको अपने अपने क्रिया में, अपने अपने फंक्शन में नॉर्मल फंक्शनिंग रहे इसके लिए हमें क्या करना है। तो शरीर में तीन चीज़ों की आवश्यकता है, हवा, पानी और भोजन। ये तीनों चीज़ हम डेली ले रहे हैं, लेकिन किसी खाने का तो चलिए हम थोड़ा बहुत सोचते हैं, हवा किस तरह से लेनी है, सांस किस तरह से लेनी है और पानी कितना पीना है, कब पीना है, कैसे पीना है, इस सब का हमें कोई विचार नहीं है।
तो हमारी इस क्लास में हम हर चीज़ की गहराई देते हैं, जैसे कि सांस का हम बताते हैं कि यदि हमारी सांस छोटी हो जाती है तो खून को इतनी सांस नहीं मिलती जितना उसको अपने को साफ करने के लिए चाहिए। तो जब हम इस तरह से जो हम अभी कर रहे थे कि तो इस तरह से जब हम सांस लेंगे तो लगभग तिगुनी चौगुनी सांस हमारी बढ़ जाती है, और ये सांस जैसे ही फेफड़े में जाती है, फेफड़े से खून में आ जाती है, और खून एकदम से खून में जो आग है वो आग तेज होने लगती है, तो आपको स्वयं से अनुभव होगा कि गर्मी आ रही है। और जैसे ही हम इतनी ज़ोर से सांस लेते हैं तो मस्तिष्क और हृदय दोनों में ये ऑटोनॉमिक एक स्वचालित क्रिया है कि ऐसी असाधारण सांस हो रही है तो वो सोचते हैं कहीं कुछ गड़बड़ है, तो मस्तिष्क और हृदय दोनों ही पूरे शरीर में खून दौड़ाते हैं और पता करते हैं कि कहाँ क्या अड़चन है, और यदि शरीर का कोई अंग हिल रहा है तो वो सोचते हैं कि यहीं पर कुछ है। तो हम हर जोड़ को एक एक करके लेते हैं और इस क्रिया से हम हर जोड़ को बिल्कुल फ्री कर लेते हैं, वो किसी भी तरह से बाधित नहीं होता, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रहेगा, ब्रेन का बॉडी से कम्युनिकेशन बना रहता है। ये दो चीज़ें यदि हमारे पास हैं तो हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा। क्या टाइमिंग रहता है क्लासेज वगैरह का? जी, टाइमिंग हम लोग सुबह 7 बजे से और 9 बजे तक क्लास देते हैं, क्योंकि जो शुरू में लोग आते हैं तो उनको बहुत समय लगता है इस सांस को एडजस्ट करने में, क्योंकि जब हम इस तरह की सांस लेते हैं तो 5-10 सांसों में ही चक्कर आने लगेगा, तो उससे पता चलता है कि हमारे मस्तिष्क में अब कितना, मतलब ये रुका हुआ है कि हमने 5-10 अगर गहरी सांस ले ली तो वो चक्कर में पड़ा। क्या क्या विधियाँ अपनाई जाती हैं आपके, किन किन विधियों के द्वारा उपचार किया जाता है? जी, तो यहाँ पर ये तो एक बेसिक है जो कि नेचुरल है, नॉर्मल है, लेकिन जो रोगी हैं जिनको कि बहुत तरह की क्रोनिक स्टेजेस हो गई हैं, वहाँ पर हम आयुर्वेद से कई चीज़ें हैं, जैसे मर्म चिकित्सा है। मर्म चिकित्सा वो चिकित्सा है जिसमें कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे बिंदु हैं जहाँ पर से कि हम पूरे नाड़ी सिस्टम को सचेत करते हैं। नाड़ी सिस्टम मतलब कि हमारे मस्तिष्क का शरीर के साथ कम्युनिकेशन, वायरिंग कह लीजिए, जैसे हम घर में वायरिंग करते हैं, तो ये फ्यूज़ हैं या MCBs जो लगी होती हैं, तो इन पॉइंट से हम पहले शरीर को खोलते हैं, और जैसे ही शरीर खुलता है तो फिर सांस की क्रिया से हम खून की सफाई करते हैं। तो योग, आयुर्वेद, और फिर आगे चल के इसमें हम अन्य जो वेदों की ज्ञान है कि जो ज्योतिष शास्त्र है कि हमारे कर्म क्या थे और किस कर्म का क्या भोग इस जीवन में हमें मिल रहा है वो हमें भोगना है, तो यदि कुछ चीज़ हमारी एकदम से पकड़ में नहीं आ रही तो हमें ये मानना पड़ता है कि इसके लिए फिर कुछ और अध्यात्म से रिलेटेड, जिसमें कि फिर तरह तरह के जो हमारे पंडित लोग सजेस्ट करते हैं कि आप इस मंत्र का जाप करिए या इस तरह की चीज़ें, तो ये भी अपने में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पूरी एक व्यक्ति जो परेशान हो गया है या डिप्रेशन में है या फिर मानसिक स्थिति उसकी बिगड़ी हुई है, तो वहाँ पर शरीर का कोई बिगड़ाव नहीं है, तो यदि हम शरीर का इलाज करते हैं तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो स्थिति शरीर की नहीं है, शरीर वाले की है। शरीर वाला बिना शरीर के है, उसको केवल सोच के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से। तो इसलिए योग की गहराई को जानना बहुत ज़रूरी है। केवल यदि हम योगाभ्यास करते हैं तो वो केवल हमारे शारीरिक व्यायाम हो गया, लेकिन हमारा शरीर पंचकोश का है और पंचकोश के ऊपर मैं बैठा है, उसके ऊपर आत्मा बैठी है। तो इस तरह का जो ज्ञान है, अगर ये यदि मिल जाए, जो कि हम हमारे यहाँ पूरी तरह से हम जो 6 दिन का 7 दिन का शिविर करते हैं आवासीय, तो उसमें हम पूरा गहन आभास अनुभव हर व्यक्ति को देते हैं, चाहे वो पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, अनपढ़ है, क्योंकि हर व्यक्ति अपना शरीर यूज़ कर रहा है, तो उनको अपने शरीर का ज्ञान पूरा होना चाहिए। ये हम